हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। कल हमने जो है 11th क्लास के लिए फिजिक्स का एक वीडियो लोड किया है। आज जो है हम लोग 11th क्लास के मैथ सब्जेक्ट के बारे में चर्चा करेंगे। चलिए तो ध्यान देंगे। सबसे पहली बात है कि 11th क्लास में एडमिशन जो है मैथ से लें कि बायोलॉजी से लें, यह एक जो है बहुत ही विद्यार्थियों के मन में उलझन का विषय बना रहता है। अक्सर जो विद्यार्थी जो है मैथ के वजह से बच्चे मैथ से जो डरते हैं वह जो है बायोलॉजी लेकर पढ़ते हैं, क्योंकि मैथ से उन्हें डर लगता है। तो मैं उन्हें बता देना चाहता हूँ कि यदि वो हाँ, तो हम बात कर रहे थे कि मैथ और बायोलॉजी के बारे में है ना। तो अक्सर विद्यार्थी जो है जो मैथ से जिनको डर लगता है वो मैथ ना लेकर के बायोलॉजी लेते हैं और एक्स्ट्रा पेपर में मैथ रख लेते हैं। तो एक बात आपको बता देना हम चाहते हैं कि बायोलॉजी यदि आप ले रहे हैं तो मैथ का चुनाव आपके पास बिल्कुल गलत है। आप मैथ नहीं लीजिए। यदि आप बायोलॉजी आप ले रहे हैं तो बायोलॉजी ही रहने दीजिए। एक एक्स्ट्रा पेपर क्यों क्यों आप एक्स्ट्रा पेपर लेना चाह रहे हैं जिसमें आपको फिर आपको मैथ का पीछा लग ही जाएगा। मैथ से बच रहे हैं, बायोलॉजी ले रहे हैं, इसके बाद भी एक्स्ट्रा पेपर मैथ क्यों ले रहे हैं? फिर तो मैथ पढ़ना पड़ेगा। इसीलिए हम आपको कहेंगे कि यदि आप बायोलॉजी ले रहे हैं तो ओनली बायोलॉजी ही लीजिए, मैथ नहीं रखिए। और यदि आप मैथ रख रहे हैं तो बायोलॉजी रखने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है, ठीक है। अच्छा, हम दोनों का बेनिफिट बताते हैं, मैथ और बायोलॉजी में क्या लें ताकि आगे फायदा हो। तो आपको हम एक बात बताना चाहते हैं कि यदि आप मेडिकल के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, यदि आपको मेडिकल करना है, डॉक्टर बनना है, नर्स बनना है, चिकित्सा के क्षेत्र में आपको आगे का कदम रखना है, तो आप निःसंदेह बायोलॉजी लीजिए, पढ़िए और अपने करियर को उस क्षेत्र में मेडिकल के लाइन में आगे बढ़ाइए। ये आपके लिए बिल्कुल ही सही रास्ता है। यदि आप मेडिकल के क्षेत्र में जाना चाहते हैं तब यदि सिंपल आपको इंटर पास करके आपको रेलवे, बैंकिंग, SSC के क्षेत्र में जाना है तो बायोलॉजी आपको वहाँ पर थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। आपका वहाँ पर बायोलॉजी से क्वेश्चन नहीं रहता है, मैथ से क्वेश्चन आपका रहेगा, आपका मैथ रहेगा वहाँ पे, तो आपको वहाँ पे मैथ पढ़ना ही पड़ेगा। यदि आप अभी मैथ छोड़ देते हैं, 11th और 12th में आप मैथ छोड़ देते हैं, बायोलॉजी लेके पढ़ते हैं, और यदि आपको रेलवे में जाना है, बैंकिंग में जाना है, SSC करना है, ठीक है, तो वहाँ पे आपको फिर से मैथ आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तो जो डर से भागे वो डर लगा ही रह गया। तो अभी से हम क्यों नहीं मैथ का चुनाव करें और इस पर मेहनत करें। मैथ से डरने की आवश्यकता नहीं है, मैथ से मिलजुल कर बनाने की आवश्यकता है, मेहनत करने की आवश्यकता है, इससे आप आगे बढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले हम आपको ये बताना चाहते हैं कि आप सब्जेक्ट का चुनाव जो है अपने लक्ष्य की ओर लक्ष्य के देख करके आप सब्जेक्ट का चुनाव करें कि आपको यदि किस क्षेत्र में जाना है तो आपको क्या रखना है सब्जेक्ट में। यदि मेडिकल क्षेत्र में जाना है, मेडिकल करना है, तो हर हाल में आप बायोलॉजी लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि आपको मेडिकल क्षेत्र में नहीं जाना है तो आपको मैथ रखना ही आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा, ठीक है। चलिए तो अब हम आपको आगे इसके क्लास के बारे में, सिलेबस के बारे में आपको हम चर्चा करते हैं। 11th क्लास, ठीक है, 11th मैथमेटिक्स। देखिए 11th मैथमेटिक्स में थोड़ा सा आपको जो है
कुछ नया नया चैप्टर आपको पढ़ना है, टेंथ से कुछ हटके आपका रहेगा, समझे, टेंथ से आपका कुछ हटके रहेगा। जैसे आपका एक नया चैप्टर आपका यहाँ पर है सेट, सेट समुच्चय, है ना, समुच्चय ये आपका पहला एक्सरसाइज है, सेट समुच्चय, ठीक है। फिर आपको बिल्कुल आपके लिए यहाँ पे नया रहेगा फंक्शन, इसको फलन कहते हैं। फिर आपका यहाँ पे क्या आपको रहेगा, बिल्कुल आपको यहाँ पे एक आपका है ट्रिगोनोमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री, और ये आपको थोड़ा सा यहाँ पे बहुत सारे इसमें नया आपको पढ़ना पड़ेगा टॉपिक है। फिर जो है आपका यहाँ पे मैथमेटिकल इंडक्शन, या फिर जिसको गणितीय आगमन का सिद्धांत कहते हैं, द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, ठीक है, गणितीय आगमन का सिद्धांत, गणितीय आगमन का सिद्धांत। फिर आपका यहाँ से हो जाता है अलजेब्रा, अलजेब्रा, अलजेब्रा में आपका क्या क्या आएगा, तो कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा, लीनियर इनइक्वालिटीज आएगा, द्विघात समीकरण आएगा, ठीक है, बाइनोमियल थ्योरम आएगा, परमोटेशन एंड कम्बिनेशन आएगा, ठीक है। उसके बाद जो है फिर जो है आपका है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है, इसमें स्ट्रेट लाइन के बारे में पढ़ना है, समझे, रेखा कोण वगैरह ये सब जो है से संबंधित क्या बारे में आपको पढ़ना है। फिर आपको लिए यहाँ पे एक आपका आएगा जो कि नया है आपके लिए कैलकुलस, कैलकुलस के अंदर लिमिट और डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, ठीक है। फिर आपको जो है कोऑर्डिनेट में अंदर आपको स्ट्रेट लाइन हो गया सब, पाराबोला, हाइपरबोला, इलिप्स ये सब होता है, सर्कल वगैरह, ठीक है। और इसके बाद फिर आपको जो यहाँ पे मिलेगा कैलकुलस के बाद जो मिलेगा आपका है ना गणितीय विवेचना, गणितीय विवेचना, ठीक है, जिसमें होता है उस लॉजिकल क्वेश्चन होता है, तार्किक वगैरह इसमें तार्किक क्वेश्चन रहता है, ठीक है। फिर आपको स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी ये आपका एलेवेंथ क्लास सिलेबस है। तो आज हम लोग आगे जो है आपका सेट जो है स्टार्ट करेंगे, ठीक है, हम सिलेबस को आगे बढ़ाते हैं, ये सब आपको बुक में मिल जाएगा क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। चलिए तो आज हम जो है पहला एक्सरसाइज जो है आपके सामने जो है प्रस्तुत कर रहे हैं, ठीक है, देखिएगा एक्सरसाइज फर्स्ट आपका है सेट, सेट का मतलब होता है समुच्चय, सेट समुच्चय, समुच्चय का मतलब होता है, समुच्चय कहते किसको हैं, तो समुच्चय का मतलब होता है ग्रुप, जिसको हम सिमिलर कह सकते हैं, ग्रुप कह सकते हैं, समूह, समूह का निर्माण कैसे होता है, समूह कहते किसको हैं, तो जहाँ पे एक से अधिक, एक से अधिक चाहे वो व्यक्ति हो चाहे वो वस्तु हो, है ना, एक से अधिक जब व्यक्ति वस्तु होता है तो वो समूह बनाता है, उसको हम समूह कहते हैं। तो समुच जो है उसी से संबंधित एक बात है, समझे, जैसे क्या हो गया कि चाबियों का समूह, बहुत सारा चाबी रहेगा तो आपका, या फिर गुच्छा भी कह सकते हैं, चाबियों का गुच्छा कह सकते हैं, ठीक है, अंगूर का गुच्छा है कि नहीं, तो इस प्रकार से तो समुच का मतलब होता है। लेकिन यहाँ पे समुच जो है, समुच का मतलब ऐसे अति से होगा, ग्रुप से होगा जिसका कोई मीनिंग निकलता हो, अर्थ निकलता हो, है ना, कहता है समुच का परिभाषा कहता है, समुच का मतलब होता है कि वस्तुओं के सुनिश्चित संग्रह को समुच कहते हैं, यानी वस्तुओं का संग्रह होना चाहिए लेकिन उसका कोई मीनिंग निकलना चाहिए, उसका कोई अर्थ निकलना चाहिए, उसका कोई सेंस निकलना चाहिए, तो वैसे ग्रुप को हम क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे उसको, समुच्चय बोलेंगे, क्या बोलेंगे उसको, समुच्चय बोलेंगे, वस्तुओं के सुनिश्चित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। सबसे पहले आपका समुच्चय का परिभाषा, समुच्चय का परिभाषा आपका क्या हो गया भाई, समुच्चय का परिभाषा क्या हो गया कि वस्तुओं के सुनिश्चित संग्रह, वस्तुओं के सुनिश्चित संग्रह को समुच कहते हैं,
समुच्चय कहते हैं, वस्तुओं के सुनिश्चित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। जैसे सप्ताह में दिनों का समुच्चय, सप्ताह में दिनों का समुच्चय है कि नहीं, वर्ष में महीनों का समुच्चय, वर्ष में महीनों का समुच्चय, किसी क्लास किसी वर्ग में विद्यार्थियों का समुच्चय, विद्यार्थी है उसका एक मीनिंग सेंस निकल रहा है ना। जैसे क्या है कि विद्यार्थियों का समुच्चय, विद्यार्थियों का समुच्चय का मतलब क्या हो, विद्यार्थी किसको कहेंगे, जो पढ़ने वाला है, जो पहला क्लास में पढ़ रहा है वह भी विद्यार्थी है, जो इंटर में पढ़ रहा है वह भी विद्यार्थी है, जो कंपटीशन का तैयारी कर रहा है वह भी विद्यार्थी है, जो एक अभी जो प्री नर्सरी में है जो केवल पेंसिल और स्लेट पकड़ रहा है वह भी विद्यार्थी है ना। तो विद्यार्थियों का समुच्चय इसका एक संग्रह हो गया है ना, उसका कोई खास अर्थ निकला है कि नहीं, तो उसे बोलेंगे क्या बोलेंगे, समुच्चय बोलेंगे। वस्तुओं के सुनिश्चित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। जैसे हम एक दो एग्जाम्पल दिखा सकते हैं है ना, कि सप्ताह में दिनों का समुच्चय, सप्ताह में दिनों का समुच्चय है ना, वर्ष में महीनों का समुच्चय, महीनों का समुच्चय ठीक है। फिर हम कह सकते हैं अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षरों का समुच्चय इस से जेड तक का है कि नहीं, वर्णमाला क्या फिक्स है 26 लेटर ठीक है, यानी आपका क्या अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षरों का समुच्चय। चलिए हमारे साथ बने रहे हैं, आप बिल्कुल समझने का प्रयास करेंगे, आप बिल्कुल समझ में आ जाएगा आपको ठीक है। अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षरों का समुच्चय, ये सब क्या है, वस्तुओं के सुनिश्चित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। अक्षर है ना, अक्षर का संग्रह है, लेकिन उसका क्या मीनिंग निकलता है, ए से लेकर जेड तक है सब अक्षर है, लेकिन वह क्या अंग्रेजी वर्णमाला का अक्षर है ना। जनवरी फरवरी मार्च दिसंबर तक का महीने का नाम है, लेकिन क्या है उसका कोई खास अर्थ नहीं निकल रहा है कि नहीं, वर्ष है, वर्ष के महीना है। सोमवार मंगलवार 7 दिन होता है कि नहीं, 7 दिन होता है, लेकिन उसका क्या सप्ताह कहते हैं, यानी उसका कोई मीनिंग निकल रहा है, अर्थ निकल रहा है ना। तो वैसे सिस्टम को हम क्या बोलेंगे, समुच्चय बोलेंगे, क्या बोलेंगे, समुच्चय बोलेंगे। चलिए इतना बात समझने के बाद अब आपको जो है कि समुच्चय को अंग्रेजी के बड़े अक्षरों से लिखा जाता है। समुच्चय को किसे लिखा जाता है, अंग्रेजी के बड़े अक्षरों से, समुच्चय को अंग्रेजी के बड़े अक्षरों से लिखा जाता है। जब भी हम लिखेंगे तो कैपिटल ए बराबर लिखेंगे, बी बराबर लिखेंगे, सी बराबर लिखेंगे ठीक है, और जो समुच्चय के जो सदस्य होते हैं उसको मंझली कोष्ठ में लिखते हैं। कहाँ लिखते हैं, मंझली कोष्ठ में लिखते हैं। इसको आपको ऐसे हो लिखना पड़ेगा तब जाके आपका ये सही हो जाएगा। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं है ना, समुच्चय को अंग्रेजी के बड़े अक्षरों से और उसके सदस्य जो होते हैं वो मंझली कोष्ठ के अंदर रखते हैं, समझे, मंझली कोष्ठ के अंदर रहते हैं। या फिर इसको ऐसे भी हम लिख सकते हैं, जैसे ए बराबर है ना, ए बराबर प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय ठीक है, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। इसको ऐसे भी हम लिख सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ... है ना, ए बराबर हो गया, ए बराबर हो गया, ये भी प्राकृत संख्या का समुच्चय है। अब देखिए जो बात ई लिखा हुआ है वो बात ई लिखा हुआ है, तरीका दो है, इसमें आपका लैंग्वेज लिखा हुआ है, इसमें आपका क्या है, इसमें आपका क्या है? डिजिट है, अंक है। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे कि समुच्चय को हम दो रूपों में व्यक्त करते हैं, एक व्यक्त करते हैं गुण प्रकटीकरण विधि, एक होता है समुच्चय निर्माण विधि है ना, एक होता है समुच्चय निर्माण विधि और एक होता है गुण प्रकटीकरण विधि, समझे। समुच्चय को दो रूपों में लिखा जाता है, एक आपका समुच्चय निर्माण विधि और दूसरा होता है गुण प्रकटीकरण विधि ठीक है, उसको बोलते हैं समुच्चय को लिखने का तरीका है ना। ये प्रेजेंटेशन ऑफ सेट, यानी समुच्चय को कैसे उसको हम निरूपित कर सकते हैं, कैसे उसको हम लिख सकते हैं। तो सबसे पहली बात, समुच्चय कहते किसको हैं, तो वस्तुओं के सुनिश्चित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। समुच्चय का एग्जाम्पल कैसे हो, क्या हो सकता है, तो सप्ताह में दिनों का समुच्चय है ना, वर्ष में महीनों का समुच्चय, अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षरों का समुच्चय, बहुत सारा हो सकता है, पृथ्वी पर खतरनाक जानवरों का समुच्चय, भारत में सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों का समुच्चय है कि नहीं, बहुत सारा चीज हो सकता है, सम संख्याओं का समुच्चय, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है कि नहीं। तो यहाँ पे क्या है कि हमने लिखा, इतना बात लिखने के बाद आपको पता होना चाहिए समुच्चय को, जब भी समुच्चय लिखना है तो अंग्रेजी के बड़े अक्षर से, ए बराबर, बी बराबर, सी बराबर,
और जो सदस्य होंगे उसको मंजिली कोष में लिखेंगे। कहाँ लिखेंगे? मंजिली कोष के अंदर लिखेंगे, ये सब आपका मंजिली कोष के अंदर लिखा जाएगा। तो चलिए इसका आप थोड़ा सा एक स्क्रीन शॉट कर लें, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए हो गया। देखिए अब आपको हम यहाँ पे एक चीज बताते हैं, सदस्य और सदस्य क्या होता है या फिर अवयव किसको कहते हैं। देखिए सबसे पहली बात है, कुछ यहाँ पे एक दो सैंपल अभी हम बता रहे हैं आपको। हम जैसे इसको ये आपका लिखा हुआ है इस तरह से, है ना, इसको पढ़ते हैं एलिमेंट। इसको क्या पढ़ते हैं? एलिमेंट पढ़ते हैं। इसका मतलब होता है सदस्य है, सदस्य है। और ऐसे यदि लिखा हुआ है, ऐसे काटा हुआ है, इसको पढ़ते हैं सदस्य नहीं है, सदस्य नहीं है, है ना। इसको एलिमेंट पढ़ते हैं, है ना, इसको बोलते हैं नॉट एलिमेंट पढ़ते हैं। एलिमेंट एलिमेंट और नॉट एलिमेंट, इसका मतलब सदस्य है, इसका मतलब सदस्य नहीं है। जैसे आइए हम एक क्वेश्चन आपको देखते हैं। ए बराबर मानते हैं 1 2 3 4 5 इस तरह से हमने लिखा है, ठीक है। और क्वेश्चन है आपका दो एलिमेंट ए, दूसरा है 3 एलिमेंट ए, ठीक है, तीसरा है 4 नॉट एलिमेंट ए, चौथा लिखा हुआ है 0 एलिमेंट ए, है ना। आपको बताना है कि सत्य है कि असत्य है। क्या 2 एलिमेंट ए, 2 ए का सदस्य है। समुच ए बराबर 1 2 3 4 5, यानी 1 2 3 4 5 जो है ए का सदस्य है, 1 2 3 4 5 जो है समुच ए का सदस्य है। तो क्या ए जो है 1 2 3 4 5 ए का सदस्य है, तो 2 एलिमेंट ए 2 ए का सदस्य है, 2 ए का सदस्य है। क्या 2 ए में है? हाँ, ए में 2 है, यानी यह क्या है? यह सत्य है, यह क्या है? सत्य है। अच्छा 3 एलिमेंट ए, 3 एलिमेंट ए, क्या 3 ए का सदस्य है? हाँ, 3 एलिमेंट है, यानी यह भी सत्य है, यह भी सत्य है, है ना। 4 नॉट एलिमेंट ए, 4 ए का सदस्य नहीं है। 4 एलिमेंट, 4 नॉट एलिमेंट ए, इसको नॉट एलिमेंट पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं एलिमेंट, इसको पढ़ते हैं नॉट एलिमेंट, ठीक है, इसको पढ़ते हैं एलिमेंट, इसको पढ़ते हैं नॉट एलिमेंट, ठीक है। यानी 4 नॉट एलिमेंट ए, 4 ए का सदस्य नहीं है। क्या 4 ए का सदस्य नहीं है? ए में 4 है ना जी, यानी यह क्या होगा? यह असत्य है, यह क्या है? असत्य है, क्या है? असत्य है। अच्छा 0 एलिमेंट ए, क्या 0 ए का सदस्य है? क्या ए में 0 है? नहीं है, यानी यह भी क्या है? यह असत्य है, यह क्या है? असत्य है। बोलिए इतना बात आपको समझ में आ गया? इसका आप एक स्क्रीन शॉट कर लें, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए आपको जो है इस बार हम क्वेश्चन देते हैं, आपको एलिमेंट और नॉट एलिमेंट आपको भरना है, क्या भराएगा, है ना। क्वेश्चन आपका है, है ना, क्वेश्चन आपका है यदि ए बराबर 2 4 5 6 8, है ना, ऐसा दिया है, तो एलिमेंट और नॉट एलिमेंट, है ना, तो रिक्त स्थान में, तो रिक्त स्थानों में एलिमेंट या नॉट एलिमेंट भरें। चलिए हम आपको ऐसा क्वेश्चन दे रहे हैं, 5 है और ए है, 6 है और ए है, 0 है और ए है, 7 है और ए है, है ना, ऐसा दिया गया है। तो आपको यहाँ पे भरना है एलिमेंट या नॉट एलिमेंट भरना है। क्या सदस्य, एलिमेंट का मतलब सदस्य है और नॉट एलिमेंट का मतलब सदस्य नहीं है। तो सबसे पहले क्वेश्चन आपका दिया गया, यदि ए बराबर 2 4 5 6 8, तो रिक्त स्थान में एलिमेंट या नॉट एलिमेंट भरें, यानी आपको भरना है सदस्य है सदस्य नहीं है। आइए तो क्वेश्चन नंबर देखते हैं, 5 और ए लिखा हुआ है, यहाँ आपको भरना है एलिमेंट भराएगा कि नॉट एलिमेंट भराएगा, 5 ए का सदस्य है कि नहीं है। 5
एक अच्छा सा है कि नहीं है, क्या एमए 5 है? हाँ एमए 5 है, तो क्या लिखाएगा, 5 एलिमेंट ए, यानी 5 ए का सदस्य है, 5 ए में है ना, तो 5 एलिमेंट ए लिखाएगा, यानी 5 एलिमेंट ए, यानी 5 ए का सदस्य है। 6 क्या 6 भी है? हाँ 6 भी है, 6 एलिमेंट ए, 6 एलिमेंट ए, एलिमेंट भराएगा, क्या भराएगा, एलिमेंट भराएगा, 6 एलिमेंट ए, 6 भी ए का सदस्य है। 0 क्या 0 दिखाई पड़ रहा है? नहीं दिखाई पड़ रहा है, तो 0 नॉट एलिमेंट ए हो जाएगा, 0 नॉट एलिमेंट ए हो जाएगा, 0 ए का सदस्य नहीं है। 7 क्या 7 है? नहीं है, यहाँ क्या भराएगा, नॉट एलिमेंट भराएगा, यानी 7 भी ए का सदस्य नहीं है। तो आप बिल्कुल समझ में आ गया आपको, आप बिल्कुल समझ गए कि एलिमेंट और नॉट एलिमेंट क्या होता है, सदस्य है कि सदस्य नहीं है, कैसे कैसे हम पहचानेंगे कि एलिमेंट भराएगा कि नॉट एलिमेंट भराएगा। चलिए ये आपको क्लियर हो गया, तो इसमें हम आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं इसको, तो इसका आप एक स्क्रीनशॉट कर लें, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो इतना बात तो आप बिल्कुल ही समझ गए होंगे, इतना समुच के बारे में आपने आज जाना, समुच क्या होता है, समुच कहते किसको है, समुच को कैसे नोट करते हैं, कैसे लिखते हैं, समुच के एलिमेंट्स क्या होते हैं, सदस्य क्या होते हैं, कौन सदस्य होता है, कौन सदस्य नहीं होता है, इतना बात तो आप बिल्कुल ही समझ गए होंगे, है कि नहीं। तो अब जो है हम लोग फिर इसके अगले वाले वीडियो में हम लोग आगे पढ़ेंगे, है ना, फिलहाल इतना रहने देते हैं, फिर धीरे धीरे फिर हम लोग जो है वीडियो का जो आपका टाइमिंग है उसको हम बढ़ाएंगे, क्योंकि थोड़ा अभी जो है स्टार्टिंग में थोड़ा सा है ना, एक 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 ही बार में आपको आधा घंटा एक घंटा का वीडियो मिलेगा, थोड़ा सा आप भी बोरिंग का अनुभव करेंगे, क्योंकि इतना दिनों से आपका जो पढ़ाई जो है छूट गया था, अब आपको जो है उसे पटरी पे लाने में थोड़ा तो समय लगेगा ही, व्यक्त तो आपको तो देना ही पड़ेगा, वक्त के साथ साथ आप भी बदल जाएंगे, लेकिन अभी जो है फिलहाल जो है इतना रहने देते हैं, फिर हम लोग बहुत जल्दी अगले वीडियो में मिल लेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।